जैसा कि आप लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ चुके हो, अब हम लोग बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन पे सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। जी हाँ, जनरल इंट्रोडक्शन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये भी आपको हम समझाएंगे कि सीआरपीसी को आपको पढ़ना कैसे है, कैसे सीआरपीसी याद होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर देना, और कोई भी अगर पर्सनल क्वारी है तो आप मुझे डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनअकैडमी पे हमने कंप्लीट सीआरपीसी कवर कर दिया है। जी हाँ, आपका एक एक सेक्शन, सब सेक्शन, चैप्टर वाइज सीआरपीसी का मैंने डिस्कस कर लिया है। आप अनअकैडमी पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो, और हमारा जो स्पेशल क्लास डेली होता है मॉर्निंग और इवनिंग में, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, और वो भी फ्री में। जी हाँ, आप फ्री में स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हो। बस आपको इसके लिए कोड अप्लाई करना पड़ेगा, और कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कोड क्या है? कोड है लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस। आप अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली डेली लगातार होता है कोर सब्जेक्ट पे, बैचेस बनी हुई है अनअकैडमी पे, हर स्टेट के लिए बैचेस है, जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, रैपिड रिवीजन बैचेस भी बनी हुई है, तो आप बैच के लिए भी अपने आप को खुद को एनरोल्ड कर सकते हो। कोड अप्लाई करना मत भूलना, कोड है लॉ इज लाइफ। आपको इसके लिए 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं अब हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सीआरपीसी का, तो सीआरपीसी जो है एक प्रोसीड्यूरल लॉ है। जी हाँ, प्रोसीड्यूरल लॉ है। अब प्रोसीड्यूरल लॉ का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोसीड्यूरल लॉ का मतलब होता है वह लॉ जो ये डिटरमाइंड, ये बताता है कि ऑफेंडर को सजा किस प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा या दिया जाना चाहिए। एक होता है सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ होता है जो ये बताता है कि व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कार्य है वो अपराध है या नहीं है। आपने कोई एक्ट किया, अब वो एक्ट क्रिमिनल ऑफेंस है कि नहीं है वो बताएगा सब्सटैंटिव लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पेनल कोड, पॉक्सो एक्ट, और भी बहुत हैं। लेकिन आपने अपराध कर दिया, ये प्रूव हो गया अगर, तो प्रूव कैसे होगा? बिफोर कोर्ट होगा। तो कोर्ट तक आप पहुंचोगे तो पहुंचोगे कैसे? अगर आपको ये लगता है कि आपके खिलाफ कोई निर्णय गलत आया है तो फिर आप उसको चैलेंज करोगे तो करोगे कैसे? पुलिस आपको कोर्ट तक कैसे ले जाएगी? अरेस्ट करके ले जाएगी। अरेस्ट कैसे होगा? तो आपको सजा कैसे मिलेगा, इस बात पे जो लॉ फोकस्ड करता है उसे हम कहते हैं प्रोसीड्यूरल लॉ। इज इट क्लियर? चलिए दूसरी बात देखो कि सीआरपीसी को ना टोटल 37 चैप्टर में बांटा गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग देखो, सीआरपीसी को आपको पढ़ना कैसे है, तो आप पहले ये करोगे, क्या डिफरेंशिएट करोगे, प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल शुरू होने के पहले क्या क्या होता है, एक एक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल शुरू होने के पहले बिफोर कोर्ट क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती है। कंप्लेंट होता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि सीआरपीसी कैसे पढ़ा जाता है, इसके थ्रू कंप्लेंट या एफआईआर होगा, अरेस्ट होता है व्यक्ति, है ना, कंप्लेंट, एफआईआर, इशू ऑफ प्रोसेस के अंतर्गत देखो, फॉर, यहां पे दो बात याद रखेगा, फॉर अपेयरेंस ऑफ द पार्टी एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे समन जाता है विटनेस को कोर्ट तक बुलाने के लिए, प्रोक्लामेशन इशू होता है, वारंट इशू होती है, यहां तक कि प्रॉपर्टी अटैच भी होता है, और एक होता है इशू ऑफ प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, या किसी जगह को सर्च करने के लिए जो प्रोसेस इशू होता है, सर्च वारंट। तो यहां पे ये हो गया कुछ प्री ट्रायल स्टेजेस के अंतर्गत आने वाले प्रोविजंस। तो पहले आप इसको कंक्लूड करोगे, ये समझोगे अच्छे से, ये भी हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में, ऑलरेडी बता चुके हैं अनअकैडमी पे,
ये जितना भी आपको टॉपिक दिख रहा है, चैप्टर दिख रहा है, जैसे कंप्लेंट का चैप्टर 15 और चैप्टर 16, एफआईआर का चैप्टर 12, अरेस्ट का चैप्टर 5, इश्यू ऑफ प्रोसेस के लिए आप देख सकते हो 6, है ना। तो हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं, आप अनअकैडमी पे जाओ, आप कोड अप्लाई करो, लॉ इज लाइफ फ्री आपको एक्सेस मिल जाएगा। नहीं मिल पा रहा है तो फिर मुझे डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, मिल जाएगा आपको, निश्चिंत रहो। तो प्री ट्रायल स्टेज में आपको ये प्रोविजंस पढ़ने हैं, जो जो पढ़ने हैं वो आपको बेसिक बताएंगे, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन मूलतः यही सब प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल शुरू होने के पहले आपको ये सब प्रोविजन को ध्यान में रखना पड़ता है। अब ट्रायल को लेकर देखो प्रोविजंस क्या क्या है। तो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, उसके बाद वारंट केस ट्रायल, समन केस ट्रायल, है ना, समन केस, वारंट केस, ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, समरी ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग, है ना। तो ये सब हो गया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रायल, आपको ये सब पढ़ना पड़ता है, ये सब प्रक्रिया उस वक्त अप्लाई होती है। तो उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, चैप्टर 18, चैप्टर 19, 20, 21, 21A पढ़ना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद चलो जजमेंट आता है, तो जजमेंट का चैप्टर है स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 727, है ना। उसके बाद देखो अपील के लिए 29। तो इस तरीके से आपको पहले ये डिसाइड करना कि ट्रायल शुरू होने के पहले कौन कौन सा प्रक्रिया होता है, उस पर फोकस करेंगे हम लोग, अच्छे से समझाएंगे आपको हम। ट्रायल शुरू हो गया तो कौन कौन सा प्रक्रिया अप्लाई होगा, तो उसको लेके कौन कौन सा चैप्टर है वो पढ़ना है। ट्रायल कंक्लूड हो गया है तो फिर उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया फॉलो हो सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उसके रिगार्डिंग क्या चैप्टर, उसको अच्छे से पढ़ना है। बेल वगैरह वगैरह ये सब आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ये हम आपको बताएंगे। तो टोटल चैप्टर कितना है सीआरपीसी में, 37 है टोटल चैप्टर जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और हम डिटेल में आपको फिर बताएंगे, निश्चिंत रहिए। अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी देख लेना तो देख सकते हो अकेडमी पर जाके। चलिए अब मूल बात करते हैं कि बनाया क्यों गया, आखिर सीआरपीसी को ये प्रक्रियात्मक कानून है तो बनाया क्यों गया। पहला नंबर पॉइंट कि पॉइंट नंबर फर्स्ट दो, इसको इसलिए बनाया गया कि जैसा कि आपको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताए थे कि 1973 के पहले कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था क्रिमिनल प्रोसीजर का, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर में ये सीआरपीसी 1973 इनैक्ट हुआ। साथ ही साथ एक इक्वल प्रोसीजर हो जिसके थ्रू हर वर्ग के एक्यूज्ड को अकॉर्डिंगली लॉ पनिश्ड किया जा सके, प्रक्रिया यूनिफॉर्म हो, ये मूल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट यही था कि यूनिफॉर्मिटी आ सके, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। चलो मूल बात यही थी। दूसरी नंबर बात अगर बात कर जनरल इंट्रोडक्शन में, तो आपको करना क्या है कि जानना यह है कि सेक्शन जब वन आप देखोगे, सेक्शन वन, तो सेक्शन वन आपको बताता है कि ये लागू कहां कहां होता है, सीआरपीसी लागू कहां कहां होता है। तो सीआरपीसी पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, नागालैंड में अप्लाई नहीं होता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नागालैंड में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ चैप्टर हैं जो नागालैंड में भी अप्लाई होते हैं, और ट्राइबल एरिया में भी लागू नहीं होता, याद रखिएगा, ट्राइबल एरिया पे भी लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर में तो लागू नहीं होता है, साथ ही साथ नागालैंड पे भी लागू नहीं होता है, ट्राइबल एरिया पे भी लागू नहीं होता है। लेकिन नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के जो लागू होते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये लागू होते हैं नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे भी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि सर ट्राइबल एरिया का मतलब क्या, तो एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि 21 जनवरी 1972 के पहले जो भी एरिया इंक्लूड हो गया असम के ट्राइबल एरिया में, वो ट्राइबल एरिया को हम मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सीआरपीसी। लेकिन यहां जिस ट्राइबल एरिया का बात किया जा रहा है, वह ट्राइबल एरिया नहीं होगा जो आता है, जो पड़ता है शिलोंग के ट्राइबल एरिया के अंतर्गत। ये हो गया इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि
370 अब हट चुका है। ये तो 370 के हटने के पहले के बारे में बताएं आपको सीआरपीसी का एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। लेकिन जैसे 370 संविधान से हटा, स्पेशल प्रिविलेज स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था वो उससे ले लिया गया, तो उसके बाद सीआरपीसी अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है एज इक्वली कंपेयर टू द अदर स्टेट ऑफ द इंडिया। भारत के अन्य राज्यों में जिस तरीके से अप्लाई होता है ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज के डेट में एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा इस बात को। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि कब बना था, 25 जनवरी 1974 को बना और ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गया। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।